हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय चैनल। और ये है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट का प्रोस्पेक्टस 2022-23 का। इसमें हर चीज़ डिटेल में मेंशन है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी क्या होगी, किस कोर्स में कितनी सीट्स रहेंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एंट्रेंस का सिलेबस क्या होगा और आपका सिलेक्शन किस मेथड पे होगा। ये सभी डिटेल्स इस प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो हमें एडमिशन के टाइम पर पता होने चाहिए। तो इसमें 6 स्पेशलाइजेशन मेंशन है, आप इनमें से किसी एक स्पेशलाइजेशन में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 6 स्पेशलाइजेशन। अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता देता हूँ। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं आपको यहाँ पर इसका मतलब बता देता हूँ कि सिर्फ आपके 12th क्लास में 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। उससे कम आपके मार्क्स अगर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। हाँ, अगर आप किसी SC OBC या ST कोटे से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 5% की छूट मिल जाएगी। अगर आपके 12th क्लास में 45% भी है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अगर आपके पास SC OBC कोटा है तो। अदरवाइज़ जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको तो 50% चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे ऊपर लिखा है प्रोसीजर फॉर एडमिशन, और इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग हुई है 27 मई से और लास्ट डेट है 30 जून। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी लिखी हुई है, यहाँ पे 500 है जनरल EWS और डिफेंस के लिए और 250 है SC ST OBC के लिए। तो ध्यान रखिएगा SC ST OBC के लिए है 250 और जनरल EWS और डिफेंस के लिए 500 एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी रहेगी आपकी। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो यहाँ पर इसकी रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले मांगा गया है सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब 12th क्लास की मार्कशीट। सेकंड है एज सर्टिफिकेट। थर्ड है SC ST OBC अगर कास्ट से आप बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, पासपोर्ट फोटोग्राफ। और पांचवें नंबर पे है 12th क्लास का सर्टिफिकेट और छठे नंबर पे है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इज मैंडेटरी। तो ये चीज़ें आपको तैयार कर लेनी है एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ और लिखी हुई है कि 85% सीट्स रिजर्व्ड है दिल्ली वालों के लिए और 15% सीट्स है आउट ऑफ दिल्ली के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली से हैं तो उनके लिए 85% सीट रिजर्व्ड है और जो आउट ऑफ दिल्ली से हैं उनके लिए 15% सीट्स यहाँ पर रिजर्व्ड हैं। तो यहाँ पर हम मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो आपके एंट्रेंस टेस्ट में मार्क्स मिलेंगे और जो आपके 12th क्लास में मार्क्स हैं उन दोनों को ऐड करके यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और मार्क्स का वेटेज क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके एंट्रेंस टेस्ट में मार्क्स होंगे उसका वेटेज होगा 60% और जो आपके 12th क्लास में मार्क्स होंगे उसका वेटेज होगा 40%। तो आप यहाँ देख सकते हैं 12th क्लास के मार्क्स कितने यहाँ पे वैल्यू कर रहे हैं। और यहाँ पर मेंशन है आपके एंट्रेंस का सिलेबस। तो सबसे पहले नंबर पे है ऑब्जेक्टिव ड्राइंग यानी स्टिल लाइफ। तो स्टिल लाइफ रहेगी आपकी 60 मार्क्स की और आपको इसको करने के लिए मिलेगा 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में आपको इसे कंप्लीट करना होगा और ये सभी स्पेशलाइजेशन के लिए कंपलसरी है, चाहे आप पेंटिंग से हो या फिर अप्लाइड से हो। तो सेकंड नंबर पे आता है जनरल नॉलेज थ्योरी का पेपर और ये रहेगा हमारा 30 मार्क्स का और इसको करने के लिए हमें 1/2 घंटा मिलेगा। इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, रिलेटेड आर्ट इंक्लूडिंग मेथड एंड मटेरियल, पर्सनैलिटीज एंड करंट अफेयर। और ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। तो अब हम थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर है हमारा वाटर कलर कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन भी लगभग हर स्पेशलाइजेशन के लिए कंपलसरी है, चाहे आप अप्लाइड आर्ट से हों या फिर आप पेंटिंग से हों। लेकिन यहाँ पर आर्ट हिस्ट्री के लिए थोड़ा सिलेबस चेंज है तो वो आप देख लेना, और पेंट मेकिंग के लिए भी यही रहेगा। तो कॉम्पोजिशन भी हमारी 60 मार्क्स की होंगी और इसको करने के लिए हमें 1.5 घंटा मिलेगा। तो हमारा एंट्रेंस टोटल 150 नंबर का होगा, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं यहाँ कॉर्नर पे लिखा हुआ है 150 नंबर टोटल मार्क्स। यहाँ पर एंट्रेंस की टाइमिंग दी गई है कि आपका कौन सा पेपर कितने से कितने बजे तक होगा। तो सबसे पहले लिखा है रिपोर्टिंग फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट, तो 9 से 10 बजे का आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। और उसके बाद होगी आपकी ऑब्जेक्टिव ड्राइंग मतलब स्टिल लाइफ होगी 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। उसके बाद आपको 1/2 घंटे का ब्रेक मिलेगा 11:30 से 12 बजे तक।
उसके बाद होगा आपका जनरल नॉलेज का एक पेपर जो 12 से 12:30 बजे तक होगा। उसके बाद आपको फिर से एक ब्रेक मिलेगा, फिर स्टार्टिंग होगी आपकी कॉम्पोजिशन 12:45 से लेके 2:15 तक। यहाँ पर नोट करके इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि आपकी जो एंट्रेंस की डेट होगी वो ये साइट पर मेंशन कर देंगे, फिलहाल इनके पास कोई अपडेट नहीं है एंट्रेंस की डेट को लेकर, तो ध्यान रखिएगा आप साइट चेक करते रहना। जब तो यहाँ पर फिर से वही चीज़ मेंशन है कि 9 से 10 बजे का आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा और आपका जो एग्जामिनेशन का टाइम होगा वो 10 से 2:15 तक होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन है कि आपके ड्राइंग बोर्ड एंड आर्ट एंड मटेरियल आपको अपने पास से लेके जाना है, वहाँ पर आपको ओनली शीट मिलेगी जिसपे आप ड्राइंग कर सकते हैं, तो आप अपना सारा आर्ट एंड मटेरियल अपने घर से लेके जाए। और यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन है कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप अंदर नहीं लेके जा सकते, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गई, लैपटॉप हो गया, स्मार्ट वॉचेज हो गई, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा जाते समय। और यहाँ पर एक मेन पॉइंट और लिखा हुआ है कि जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो बहुत ही केयरफुली करें, अगर आपने कोई भी गलती कर दी तो आपका फॉर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि आप अपनी नेम, एज, परसेंटेज बिल्कुल करेक्ट डालें, अगर आपने गलत डाल दिया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर सीट्स के बारे में मेंशन है कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है BFA इनटेक कैपेसिटी, तो यहाँ आप देख सकते हैं किस कोर्स में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी है, जो दिल्ली से जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनकी सीट मैं आपको बता रहा हूँ। अप्लाइड आर्ट में 41, आर्ट हिस्ट्री में है 8, पेंटिंग में है 20, और प्रिंट मेकिंग में है 8, और स्कल्पचर में 8, विजुअल कम्युनिकेशन में भी आपकी 8 सीट है। टोटल है 93 सीट्स जनरल कैटेगरी से जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली से हैं और वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी सीट्स हैं यहाँ पे अप्लाइड आर्ट में 14, आर्ट हिस्ट्री में 4, पेंटिंग में 8, प्रिंट मेकिंग में 4, स्कल्पचर में 3, विजुअल कम्युनिकेशन में 4, टोटल है 37 सीट्स एससी कैटेगरी के। तो यहाँ आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से सीट देख सकते हैं, इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार OBC का भी बता देता हूँ, जो OBC दिल्ली से हैं 27, और दूसरे में 7, फिर 13, फिर 7, फिर 5, फिर 7, फिर मतलब टोटल सीट है 66 OBC जो दिल्ली से हैं, टोटल सीट है 66। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ सीट्स लिखी हुई हैं, तो ये भी एक बार आप चेक कर लेना। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं। तो अगर आप यहाँ पर अदर स्टेट से एडमिशन लेते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है तो यहाँ पर आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो ये थी इस प्रोस्पेक्टस की कंप्लीट डिटेल्स जो मैंने आपको बता दी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।